ये समर सीजन तो काफी खतरनाक है क्योंकि भाई क्या ही लाइनअप है इस बार एनिमे रिलीजेस का। के बाद एक हिट एनिमे आ रहा है, तो इस एनिमे का नाम है आई पैरी एवरीथिंग। और अगर ये एनिमे नहीं देखा तो गलती कर रहे हो तुम। ये स्टोरी है नोर की, जो एडवेंचरर बनना चाहता है ताकि लोगों की मदद कर सके, क्योंकि नोर एडवेंचरर से काफी ज्यादा इंस्पायर होता है। ये जर्नी स्टार्ट तब होता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, और यहीं से असली स्ट्रगल चालू होता है। जब नोर को बोला जाता है कि वो एडवेंचरर नहीं बन सकता है क्योंकि उसके पास एडवेंचरर बनने का एक्स फैक्टर नहीं है, मतलब कि एबिलिटी नहीं है। और इस मोमेंट के बाद तो मैंने अपने आप को इस एनिमे को समर्पित कर दिया था। एडवेंचरर गिल्ड से रिजेक्शन मिलने के बाद भी जो उसका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर से। और नोर एडवेंचरर बनने के लिए 14 इयर्स तक सोलो प्रैक्टिस करता है, और इस एनिमे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। स्टोरी का स्टार्ट काफी अच्छा है, अब आगे की एपिसोड में देखेंगे कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगा। और मुझे तो ये एनिमे काफी सही लगा। बाकी तुम देखो तुम्हें क्या करना है इस एनिमे के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा। और सेकंड एनिमे कोई एक्शन एडवेंचर जॉनर का एनिमे नहीं बल्कि एक रोमांटिक जॉनर का एनिमे है, और इस एनिमे का लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम है डेज विद माय स्टेप सिस्टर। इस एनिमे की स्टोरी स्टार्ट होती है युता आसामुरा के फादर के रीमैरिज से, जिससे युता को स्टेप सिस्टर मिलती है जिसका नाम है साकी अयासे। और ये दोनों अपने पहले मीटअप पे डिसाइड करते हैं कि ये एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब साकी अपने मदर के साथ युता के घर शिफ्ट हो जाती है तो ये दोनों एक दूसरे से स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हैं, और ऐसा बिहेवियर जस्टिफाइड है क्योंकि किसी के साथ कैसा भी रिलेशनशिप बिल्ड करना हो उसमें टाइम लगता है। भाई ये ब्रह्मास्त्र मूवी का ईशा का प्यार नहीं है जो 2 मिनट शिवा से बात करने पे प्यार हो जाए। इस रिलेशनशिप का लॉन्ग प्रोसेस है जो फ्रेंडशिप से होते हुए प्यार तक जाएगा। और इस एनिमे को देख के कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है, या तो ये एनिमे कुछ बवाल करके जाएगा या तो बहुत बुरा करके जाएगा। और थर्ड एनिमे है फेलियर फ्रेम, और ये एनिमे 3D एनिमेशन है लेकिन टेक्सचरिंग 2D एनिमेशन की है, तो ज्यादा नहीं बस 19-20 का ही फर्क है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर तोका मेमोरी की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा पेनफुल है, और इस स्टोरी का स्टार्ट होता है तोका के स्कूल ट्रिप के साथ, जब तोका और उसके सभी क्लासमेट को समन कर लिया जाता है किसी अननोन वर्ल्ड में एज अ हीरो टू डिफीट अ डीमन लॉर्ड। और जब सारे हीरोज की एबिलिटी और रैंकिंग चेक हो रहा होता है तो तोका का रैंक सबसे ज्यादा लोएस्ट होता है, जिससे गॉडेस उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे देती है, पूरी क्लास उसको बिट्रे कर देती है। तब तोका अपने वीक पर्सोना का मास्क हटा के अपनी असली पर्सनैलिटी सबको दिखाता है, जो बचपन में इसके फादर के फिजिकली असॉल्ट करने की वजह से डेवलप हुआ था। और एज अ डेथ पनिशमेंट टोका को एक डेंजरस डंजन में भेज दिया जाता है जहाँ से कोई कभी लौट कर वापस नहीं आता, और इसी मोमेंट पर टोका का रिवेंज आर्क स्टार्ट होता है। इस एनिमे की स्टोरी में बहुत ज्यादा दम है लेकिन इसके 3D एनिमेशन की वजह से ये एनिमे ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पा रहा। मैं तो यही बोलूंगा कि एनिमेशन को मारो गोली और एनिमे का प्लॉट देखो, क्योंकि ये एनिमे मजेदार तो है। और इन तीनों एनिमे में से मैं एक एनिमे को अंधा रिकमेंड करना चाहूंगा, और वो है आई पैरी एवरीथिंग, और इस एनिमे को तुम जरूर देखो। और देखा जाए तो फेलियर फ्रेम को भी एक चांस देना बनता है। मैं फिर से बोलूंगा कि इस एनिमे का स्टोरी काफी अच्छा है, और इस एनिमे का 3D होने की वजह से थोड़ा नेगेटिव रिव्यू है। बाकी बात करें डेज विद माय स्टेप सिस्टर एनिमे का, तो ये हो सकता है ये एनिमे कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी के लिए तुम इस एनिमे को ड्रॉप कर दो। बाकी इस एनिमे का 1-2 एपिसोड देख के तुम जज कर सकते हो कि देखना है या नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।